अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से है। और आज फ्राइडे है, वैसे अभी टाइम 10 o'clock हो रहा है। हम लोग 9 o'clock ऐसे बाहर निकले हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए। आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बाहर से किया हुआ है। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जो मेरे घर के नेक्स्ट वाला गार्डन है वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं बच्चों को लेकर के। इवनिंग हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को हम गार्डन लेकर आए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है। इवनिंग यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैमिली आती है, यहाँ पर बारबेक्यू सेक्शंस वगैरह भी करते हैं, तो बच्चों को यहाँ पर लेकर आना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि क्राउड भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। वैसे आज फ्राइडे है, हम लोग बस घर जा रहे थे ब्रेकफास्ट के बाद, बस गार्डन की ओर देखा तो यहाँ पर ज़्यादा फैमिलीज हमें देखने को नहीं मिले, तो बस हम लोग बच्चों को लेकर आए हुए हैं। अब बच्चे खेलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे घर। अभी यहाँ पर लंच टाइम हो रहा है, मैं आई हुई हूँ अभी किचन में। बहुत सोचने के बाद अभी मैं कुछ मील प्लान की हुई हूँ, तो मैं आज बस सिंपल सी प्लेन दाल बनाऊंगी, वाइट राइस रहेगा, फ़िश फ्राई करूंगी और रोटी बनाऊंगी। तो ये रहेगा आज का मेन्यू। आधे घंटे के अंदर अभी लंच तैयार करना है मुझे। मैंने यहाँ पर आज मूंग दाल लिया है, आप चाहें तो आप चूर दाल या आप मसूर दाल भी ले सकते हैं। मूंग दाल को खोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने 1 cup मूंग दाल लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैंने 1 teaspoon क्यूमिन सीड्स, टर्मरिक, गार्लिक, सॉल्ट एंड थोड़ा सा ऑयल डाला है। बस इन सारी चीज़ों को डालकर कुकर को मैं ढककर इसके 2 whistles लगाऊंगी। फ़िश में मैं बोनलेस फ़िश लिया है, आप अपनी मनपसंद फ़िश ले सकते हैं। बस इनको मैं अभी कट कर लूँगी। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 teaspoon भर के मैं ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैं गरम मसाला पाउडर, क्यूमिन, कोरिएंडर, रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट, 1 whole लेमन जूस, 2 teaspoon ऑयल डालकर मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी फ़िश को मैरिनेट करना है। जो पेस्ट मैंने बनाया है मैं फ़िश को लगा रही हूँ। लगाने के बाद इसको मैं 10 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 hour या 2 hours से ज़्यादा भी रख सकते हैं। फ़िश फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये फ़िश कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ईच साइड 2 minutes ही लगता है। फ्लेम मैंने लो पे रखा है, जब तक हमारी फ़िश कुक होती रहेंगी मैं साइड पे रोटियाँ भी बना लूँगी। रोटियां बनने के बाद मैं एग्स विथ टमाटोज एंड पैटेटोज़ बनाऊँगी, हस्बैंड की फरमाइश है।
तो उसको भी मैं बनाऊंगी, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही क्विक बन जाता है। उसकी जो रेसिपी है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर दी हुई है, उसका जो लिंक है मैं आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना।